मेरा नाम डॉक्टर नसीम अख्तर है, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और इसके साथ साथ मैं कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हूँ। इस वक्त मैं आपके साथ MNP हेल्थ हॉस्पिटल के फोरम से बात कर रही हूँ। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट के हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं समझती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, वो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बारे में है। एक इन्फेक्शियस डिजीज़ की कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जितनी भी बीमारियाँ हैं जो हम फेस करते हैं, हर बीमारी का हल एंटीबायोटिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस हैं, कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं। जो भी बुखार होता है हमें या जो भी हमें बीमारी होती है उसकी एक अलामत जो है वो बुखार होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बुखार किसी न किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे मैं पहले बात कर रही थी, बहुत सारी वजूहात हो सकती है बुखार की। बाज़ुकात बुखार बिल्कुल मामूली नोयत का हो सकता है और वो बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी इलाज के भी ठीक हो सकता है। तो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बारे में, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिला वजह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है, बल्कि इसके असरात ना सिर्फ हमारे ऊपर होंगे बल्कि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। बज़ाहिर ये एक बहुत छोटी सी और मामूली बात दिखाई देती है, लेकिन जब आप एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत इंडिकेशन के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे या उसको रॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा कि किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ जो एक कारामद एंटीबायोटिक है उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और वो दवाई आम जो हमारे बुखार होते हैं उसके ऊपर भी फ्यूचर में काम नहीं करेगी। इसकी सबसे अहम मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ टाइफाइड बुखार की है, जिसको मियादी बुखार भी कहा जाता है। और जब भी किसी को बुखार होता है तो हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जी हमें टाइफाइड हो गया है। अब टाइफाइड के लिए जो लेबॉरेटरी टेस्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो एक ही है, जिसको हम ब्लड कल्चर कहते हैं। इसके अलावा जितने भी टेस्ट हैं वो टाइफाइड की तशखीस करने में थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मुकम्मल तशखीस नहीं देते, वो अनरिलायबल हैं और उन टेस्ट का करवाना पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। इसलिए मुनासिब यही है कि जब भी आपको लगे कि आपको बुखार है, आप खुद से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मत करें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। ब्लड कल्चर का जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बुखार की तशखीस के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और टेस्ट हैं जो डॉक्टर मरीज़ का एग्जामिनेशन या मुआयना करने के बाद बता सकता है। एंटीबायोटिक्स को कभी भी वक्त से पहले नहीं बंद करना चाहिए या बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों सूरतों में ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जहाँ एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी, वहाँ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपको कोई भी फ़ायदा नहीं देगा। तो ये मेरा पैगाम है अब सबके लिए कि एंटीबायोटिक्स का जो राइट इस्तेमाल है वो हमेशा उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और बिला वजह ख़ुद से, जिसको सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, वो नहीं करनी।